हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और साथ में मेरा भाई है भारत खंडारी। हम दोनों के दोनों उत्तराखंड से हैं और हम ही नहीं बल्कि हमारे साथ कम से कम 60 लड़के जो कि हम गुजरात से आ रहे थे। तो यहाँ उत्तराखंड से जो गाड़ियाँ गुजरात के लोगों को लेके गई थी वही गाड़ियाँ अभी वहाँ से हमको लेके आ रही थी। अभी रात के कम से कम मतलब 1 बजने वाली है और यहाँ पे हरियाणा बॉर्डर पे सारे लड़कों को उतार दिया है, सब लड़कों को, गाड़ियों को खाली भेजा है और लड़कों को बोल रहे हैं कि तुम गाड़ियों में चले जाओ। ऐसे अगर यही सेफ्टी है तो ये क्या सेफ्टी है? बस में सब लड़के अलग अलग सीट में सब अच्छे से जा रहे थे क्योंकि गाड़ियाँ बहुत थी और लड़के कम थे। तो इसमें क्या लगता है, इसमें सब सही रहेंगे क्या हैं? या भैंसो उत्तराखंड की सरकार करती क्या है? भैंसो मेरी तो समझ में नहीं आता, भैंसो चूतिया जैसे लोग बिठा रखे हैं यार, भैंस का लोड़ा इन्होंने। ये देखो भैंसो पूरा पैर का एक्सीडेंट हो रखा है हम दोनों का, भैंसो कुछ खाया नहीं है। अभी हम यहाँ हैं हरियाणा और हम दोनों को कहाँ जाना है? उत्तराखंड जाना है, यहाँ से कितना दूर है? फ़ोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अभी कोई सोया हुआ होगा। अरे भैंसो घंटा सोने के लिए भैंसो बिठाए गए हो क्या तुम भैंसो तो वहाँ पे हैं? अगर भैंसो इन लड़कों को कुछ भी होता है तो क्या जिम्मेदारी तुम लोगे क्या चूतिए लोगों? भैंसो बड़ी बड़ी बात स्टेज पर करके कुछ नहीं होता, ठीक है ना? भैंसो इतनी सी कॉमन साइंस नहीं है तुम लोगों में? भैंसो की लोग उतनी दूर से आ रहे हैं, अगर भैंसो आ गए हैं तो उनको अपने घर तक तो छोड़ दो। भैंसो आदि में छोड़ने की ज़रूरत क्या है? भैंसो पुलिस वाला बात करने को तैयार नहीं है। भैंसो चूतिया जैसे लोगों को कौन बना देता है? मेरे को समझ में नहीं आता ऑफिसर भैंसो। चलो माना भैंसो तुम रूल नियम बना रहे हो, हम भी मानते हैं, हम भी उस दिन उतने दिनों से घर में पड़े हुए थे, गाड़ियाँ आई हमको भी सहारा आया। अरे भैंसो अगर हम वहाँ 3 महीने रुकते हैं तो क्या क्या लगता है कि वहाँ पे सब सही होगा? हमको लगता है हम अपने घर में सेफ है और हम सेफ ही जाएंगे भाई। हमको हम मेडिकल करा के आ रहे हैं, हम मेडिकल करा के जाएंगे। लेकिन अभी हम रास्ते में जो ये चल रहे हैं या फिर जो गाड़ी में सब लड़के चिपक के जाएंगे तो तब हम सेफ रहेंगे क्या? ये अभी हम हरियाणा बॉर्डर पे रोड पे चल रहे हैं, बताओ कब तक हम दिल्ली पहुंचेंगे? दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं होगा? अच्छा बहुत गलत बात है। और फिर इसका क्या, इसका मैं क्या करूँगा फिर वो मैं बता नहीं सकता। आप धमकी समझो चाहे कुछ भी समझो, क्योंकि हम यहाँ आने के लिए हमारी जबकि एक्सीडेंट हो रहा है, मेरा पैर टूटा हुआ है, लेकिन नहीं वहाँ पे हमारा रहने का कुछ ठिकाना नहीं है। मेरे साथ का मेरा दोस्त है, उसके फादर का मतलब तुम समझ सकते हो कि प्रॉब्लम है घर में, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको जाना ही क्या क्या है। चलो फिर भी हमने सेफ्टी मान लिया कि चलो नहीं जा सकते क्योंकि दुनिया के लिए हमारे लिए स्पेशल नहीं है। अरे यार भैंसों और लोग क्या है और हम लोग क्या है? भैंसों हम लोगों में हम लोग इंसान नहीं है क्या हैं? भैंसो फ़ोन करो तो तुम बोलो कि 9 बजे फ़ोन करना। भैंसो इंसान हो भैंस का लौड़ो तुम? भैंसो मैं गाली गलोज करूँगा और तुमको जो करना है ना घंटा, भैंसो रोहित सिंह रावत बोल रहा हूँ, भैंसो तुमको जो करना है ना करना, भैंसो तो मेरे सामने आके करना ठीक है। और इसको अपनी आईडी पे डाल रहा हूँ, उसमें मेरा पूरा एड्रेस है ठीक है।